हम स्टार्ट करते हैं। देखो वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ P3 मैथ्स व्हिच इज बायनोमियल एक्सपेंशन। ये टॉपिक हमने AS मैथ्स में पढ़ा हुआ है, तो उसका थोड़ा सा एडवांस अब हमारे पास P3 में आएगा। तो ओ लेवल मैथ्स सॉरी AS मैथ्स में हमने किस तरह पढ़ा था, हमने नॉर्मल एक्सपेंशन करी थी पावर 3। तो हमने AS मैथ्स में जो भी पढ़ा था ना, वो हमारे पास जो भी पावर्स थी वो क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी और इंटीजर वैल्यूज होती थी। ना हमारे पास कोई नेगेटिव पावर आई है, ना हमारे पास कोई फ्रैक्शनल पावर्स आई हैं। तो A2 मैथ्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हमारे पास जो है वो फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो पहले तो AS वाली चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे 2 + 3x पावर 4 को एक्सपेंड करना होगा तो मैं किस तरह एक्सपेंड करूँगा, ज़रा मुझे याद दिलाओ अहमद। सर वो एक फॉर्मूला होता था, ए पावर कुछ, फिर बी पावर और फिर सी हमारे करके पास कुछ करते फॉर्मूला थे। था NCR, ए पावर हाँ, एन ए माइनस पावर एन माइनस आर बी बार। बी पावर। मुझे अगर इसको एक्सपेंड करना होगा तो फर्स्ट टर्म विल बी 4C0। आर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है एंड देन इट इंक्रीजेस। तो मेरा पहली टर्म जो आएगी वो 4C0 होगी। एंड ए मेरा क्या है, ए है मेरा 2 और बी है मेरा 3x। तो 2 पावर 4 माइनस 0 एंड 3x पावर। तो इसी तरह नेक्स्ट टर्म मेरे पास आएगी 4C1, 2 पावर 4 माइनस 1 एंड 3x पावर। सॉरी यहाँ पे 3x की पावर 0 होगी और यहाँ पे 4 3x की पावर 1। इसी तरह 4C2, 2 पावर 4 माइनस 2, 3x पावर 2। और इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे। लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, 4C4, 2 पावर 4 माइनस 4, 3x पावर 4। तो ये तो हम AS मैथ्स में करते थे, ठीक है। अच्छा, अब A2 मैथ्स में किस तरह होगा। देखो हमारे पास NCR का मतलब होता क्या है, ठीक है। अगर मैं NCR को मैन्युअली सॉल्व करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो NCR को मैन्युअली सॉल्व, सवाले कैन यू हेयर मी, हेलो जरूरी। अच्छा, तो अब हमारे पास मैन्युअली जो है NCR को किस तरह सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। देखो मेरे पास जो है वो अगर 5C1 है, ठीक है, तो 5C1 को मैं कैलकुलेटर में अगर रखता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है। सबके पास हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए अभी। तो 5C1 का आंसर अगर मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ तो वो क्या आता है, 5 आता है, ठीक है, चेक कर लो। और 5 कैसे आया, 5 ऐसे आया कि 5 / 1, इस तरह आया है 5, ठीक है। 5C2 का क्या मतलब है, 5C2 का आंसर आता है 10, चेक करो, ठीक है। 5C2 का आंसर 10 आया, कैसे आया 10, 10 ऐसे आया कि 5 × 4 / 2। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले ये चीज़ देख लो। 5C3 का मतलब क्या होता है, 5C3 का आंसर भी हमारे पास 10 ही आएगा। और 10 यहाँ पे कैसे आया, 5 × 4 / 3 / 3। यस वाले, इट इज A2 क्लास। अच्छा, तो 5C3 का मतलब होगा 10 आंसर आएगा। और कैसे आया है 10, 10 आया है मेरे पास 5 × 4 / 3 / 3। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मेरे पास C1 है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर एक वैल्यू आई है, ठीक है, और डिवाइड हो रहा है 1 से। 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अब ऊपर 2 वैल्यूज आई हैं और डिवाइड हो रहा है 2 फैक्टोरियल से। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ऊपर 3 वैल्यूज आ रही हैं और डिवाइड हो रहा है 3 फैक्टोरियल से। इसी तरह अगर मुझे चाहिए होगा 63,
अब क्या होगा, 63 का मतलब है कि डिवाइड तो होगा 3 फैक्टोरियल से, मुझे ये पता चल गया, और ऊपर 3 वैल्यूज आएंगी मुझे ये भी पता चल गया। और 3 वैल्यूज कौन सी होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, पहली वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से, 6 से, और एक एक वैल्यू एक एक नंबर कम होता रहेगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। नहीं सर सलमान नहीं पढ़ा रहे। अच्छा 63 का मतलब ये है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी ऊपर 3 वैल्यूज आई और डिवाइड हो गया 3 फैक्टोरियल से। इसी तरह अगर मुझे चाहिए होगी वैल्यू 6 7C 4 की, इसका मतलब क्या है, क्या करूँगा मैं बताओ, कोई भी स्टूडेंट बता दो, 7C 4 को मैं किस तरह सॉल्व करूँगा। सर नीचे 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, सर ऊपर 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये मतलब हो गया 7C 4 का। अच्छा फैक्टोरियल का मतलब तो सबको पता है ना, कि अगर 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमने एस वन में पढ़ा होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। फैक्टोरियल का मतलब है जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वहां से स्टार्ट करके बिल्कुल बॉटम तक 1 तक जाएंगे और सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो इस चीज में किसी को कोई मसला कोई इशू तो अभी डिस्कस कर लो। एनसीआर को हम मैन्युअली किस तरह ओपन करते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे चलें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो सामने जवाब दोगे रिप्लाई करोगे तो मुझे सही होगा कि मैं सही समझा सकूंगा। यस सर, सामने से रिस्पॉन्स दो। अच्छा अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें एनसीआर की एक्सपेंशन समझ आ गई तो हम अब अगर मुझे एक्सपेंड करना होगा -1C2 को, तो देखो कैलकुलेटर में जो है हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज और नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यूज और फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाएंगी उनके साथ सी होगा तो हमें उनको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में उसका आंसर नहीं आता। तो -1C2 का क्या मतलब है, -1C2 का मतलब वही है, करना उसी तरह ही है, डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल और ऊपर आएंगी 2 वैल्यूज, कौन कौन सी, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, एक एक कम करना है सिर्फ और कुछ नहीं करना। इसी तरह अगर -1C3 है तो इसका मतलब होगा -1, ऊपर 3 वैल्यूज आएंगी, -2 -3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास है 1/2C2, इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल और ऊपर 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज कौन सी होंगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब 1/2 में एक कम करना है तो क्या हो जाएगा, -1/2। इसी तरह अगर मेरे पास है -1/2C3 तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऊपर 3 वैल्यूज आएंगी और डिवाइड होगा 3 फैक्टोरियल से, तो स्टार्ट करेंगे हम -1/2 से, फिर -1/2 में -1 करा तो क्या आया, -3/2, फिर -3/2 में -1 करा तो आया -5/2, और ये मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो -1/2C3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब्बास अली असगर, क्लियर है ये चीज? अहमद सवाले? यस सर। ओके अच्छा, तो अब हम इसी चीज को जो है वो अपनी एक्सपेंशन में अप्लाई करेंगे। मुझे एक्सपेंड करना है 1 प्लस x की पावर -1, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस x की पावर -1 इसको मुझे एक्सपेंड करना है। तो देखो सबसे पहली टर्म हमारे पास हमेशा 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि हमारा a जो है वो हमेशा 1 होगा, हमारा a हमेशा 1 होगा, इसीलिए हमारी फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होगी। तो पहली टर्म मैं लिख दूंगा आंखें बंद करके बगैर कुछ सोचे 1, ठीक है, मेरी टर्म्स हमेशा 1 से स्टार्ट होंगी।
अप प्लस, प्लस क्या होगा, अच्छा यहाँ पे जो है वो माइनस वन सी जीरो लग गया, पहली टर्म पे सी जीरो लगता है ना, तो यहाँ पे माइनस वन सी जीरो लग गया है। दूसरी टर्म के लिए क्या होगा, माइनस वन सी वन होगा, और माइनस वन सी वन का क्या मतलब होता है, माइनस वन सी वन का मतलब है माइनस वन अपॉन वन, ठीक है। और बी के ऊपर देखो यहाँ ए आ गया, अब यहाँ पे क्या है, ए वन है ना, ए वन है, तो अब मैं यहाँ पे वन के ऊपर कोई भी अगर पावर रखता हूँ तो वो वन ही बचेगा, ठीक है, वन के ऊपर कोई भी पावर रखूँ तो वो वन ही रहता है ना, तो मैं ए को रख लिखूंगा ही नहीं यहाँ पे अपनी वर्किंग को आसान करने के लिए, ए हम अपनी एक्सपेंशन में लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वन है ए और वन की कोई भी पावर रखो वो वन ही बनता है, तो मैं अपनी वर्किंग में सिर्फ बी रखूंगा और ए को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ए मेरा वन है, इसीलिए हम ए को हमेशा वन रखते हैं, अगर वन नहीं होगा तो हम उसको वन बना देंगे, वो बात की बात है, कैसे बनाएंगे उसको डिस्कस करेंगे, तो हम कभी भी जब भी एक्सपेंड करेंगे हम वन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यानी ए को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे माइनस वन सी वन, और बी, बी क्या है एक्स, एक्स के ऊपर पावर क्या लग जाएगी वन, ठीक है, बी पावर क्या होता है आर होता है, बी पावर आर होता है, ठीक है। इसी तरह अब इसके बाद वाली टर्म क्या होगी, माइनस वन सी टू, माइनस वन सी टू का क्या मतलब है, डिवाइड होगा टू फैक्टोरियल से और ऊपर आएंगी दो वैल्यूज, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, और वन तो रखना ही नहीं है, बी के ऊपर पावर क्या आ जाएगी टू, बी के ऊपर पावर एक एक बढ़ती रहती है हमेशा, तो पहली टर्म के लिए बी पावर जीरो थी, यहाँ पे जो यहाँ पे वन आया है वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे ए भी वन है और बी के ऊपर भी पावर जीरो लगी है, तो सारी चीजें वन हो गई, तो इसलिए पहली टर्म हमेशा वन होती है। सेकेंड टर्म के लिए बी पावर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी क्योंकि सी वन हो रहा है, और थर्ड टर्म के लिए बी पावर टू हो जाएगी क्योंकि सी टू है। इसी तरह उसके आगे अगर जाना होगा तो माइनस वन सी थ्री, माइनस वन सी थ्री का क्या मतलब है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, एंड एक्स के ऊपर पावर क्या आ जाएगी थ्री, ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको, हमने इसको एक्सप्लेन कैसे, इसको सिंप्लीफाई अभी नहीं करें, सर सिंप्लीफाई अभी करेंगे, यहाँ तक चीज क्लियर है। यस सर अच्छा अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म वन है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो माइनस वन अपॉन वन क्या होता है, माइनस वन ही होता है, और एक्स तो आंसर आ गया माइनस एक्स, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा अच्छा कैलकुलेटर में भी कर लो, अगर इसको इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल लो तो भी कोई मसला नहीं है, माइनस से माइनस प्लस हो गया और टू डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल का मतलब टू मल्टीप्लाई बाय वन, टू फैक्टोरियल का मतलब टू मल्टीप्लाई बाय वन पे टू ही रहेगा और टू से टू भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, प्लस वन बचा, और एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह थ्री फैक्टोरियल का क्या मतलब है, थ्री फैक्टोरियल का मतलब है थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, और माइनस माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, ये माइनस आया और थ्री से थ्री कैंसिल टू से टू कैंसिल, क्या बचा माइनस वन बचा, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब तो हो गया ये माइनस एक्स क्यूब, ये मेरी आ गई इसकी एक्सपेंशन, पूरी एक्सपेंशन नहीं आई है, ये मैंने सिर्फ चार टर्म्स निकाली है, ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो एएस में होता था वो तो ये होता था ना कि अगर पावर फोर है तो पांच टर्म्स आएंगी, पावर थ्री है तो चार टर्म्स आएंगी, पावर फाइव है तो छह टर्म्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, तो वो जितनी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड टर्म्स हैं हम सिर्फ उतनी टर्म्स निकालेंगे और ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें तीन टर्म्स मांगी है तो तीन टर्म्स निकाल के देना, इसमें चार टर्म्स मांगे तो चार टर्म्स निकाल के दे देना। अच्छा अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो मुझे जल्दी से इसकी एक्सपेंशन करके दे दो, सबका आंसर चाहिए मुझे, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको डिस्कस कर लो।
अपनी वर्किंग्स जो है वो ग्रुप पे शेयर करो ताकि मैं चेक करूं। फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 1/2, 1/2 -1/2 एक्स +1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या है, अगर वन नहीं होगा तो जो भी एक ही जगह पे लिखा हुआ है, जो भी एक ही जगह पे लिखा हुआ है वो हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। और जब भी कॉमन निकालेंगे तो जो भी ब्रैकेट के ऊपर पावर होगी वो पावर लग के बाहर निकलेगी। यहाँ पे हमने 2 बाहर कॉमन निकाला तो 2 के ऊपर पावर लग गई -1, तो वो बन गया 1/2, क्योंकि पावर नेगेटिव होती है, हम उसको रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये बन गया 1/2। उसके बाद हमने 1 + x की पावर -1 इसको नॉर्मली एक्सपेंड किया और एंड में हमने अपने आंसर्स को मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। इस चीज में किसी को कोई मसला? क्लियर है ये चीज? बोलो, जवाब दो। हेलो, अच्छा अब जो है, अगर मेरे पास यहाँ पे होगा, एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 + x की पावर 1/2। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्या कॉमन निकालना है, जो भी एक ही जगह पे चीज लिखी हुई है उसको कॉमन निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमन, अच्छा इसको 4 करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं 4 कॉमन निकाल दूंगा। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 4 तो कॉमन निकालेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन एक्स के पास तो 4 है ही नहीं, तो कॉमन कैसे निकालें? किसी को पता है इसका जवाब के अगर मैं यहाँ से 4 निकालूंगा तो एक्स के पास तो 4 है नहीं, तो कैसे कॉमन निकाल सकते हैं? सर x1/4 कर देंगे। x/4 कर देंगे। जो भी हम कॉमन निकाल रहे होते हैं जब भी, उसका मतलब है कि हम उससे उस चीज को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये x/4 हो जाएगा। और 4 जब हमने कॉमन निकाला है तो वो ऐसे ही तो नहीं निकलेगा, वो पावर लग के बाहर निकलेगा। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। और अंडर रूट 4 का मतलब हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास? 2। मेरे पास फाइनल चीज क्या बनी? 2,
ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 4 की पावर हाफ। अब मैं इसको भूल जाऊंगा, इसको नॉर्मली एक्सपेंड करूंगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 4 पावर हाफ। देखो सारे सवाल एक ही तरह के होंगे, पहली टर्म 1 1, ए की वैल्यू 1 बनानी है, बाकी वर्किंग बहुत आसान है। पहली टर्म 1 लिख दी, प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 4 की पावर 1, प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स अपॉन 4 की पावर 2। अच्छा ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 4, ये हो गया एक्स अपॉन 8, प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन 2 कितना होता है, माइनस 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 अपॉन 8, माइनस 1 अपॉन 8 यहाँ से आया, इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 3264 और 128, चेक कर लो 128 ही ना, ठीक है यही है। करेक्ट कैलकुलेटर में चेक, सही है आंसर ये एक्स स्क्वायर अपॉन 128, इस चीज को चेक कर लो कैलकुलेटर में। जी सर ठीक है। अच्छा अब ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 64 और ये मेरे पास आ गया मेरा फाइनल आंसर। अच्छा ये चीज अगर समझ आ गई है तो फिर इसका आंसर निकालो। सर ऊपर वाले केस के अंदर जो आपने 4 जो था उसके 2 4 की पावर हाफ थी तो आपने कहा कि वो अंडर रूट होगा, तो वो माइनस 2 भी तो हो सकता है फिर रूट लगाने के बाद। अंडर रूट 4 का मतलब देखो प्लस 2 ही आएगा ना यहाँ पे ये 4 है, वो हमें जो है वो क्वेश्चन में इसी तरह होगा कि देखो ये जो अंडर रूट 4 की पावर प्लस एक्स पावर हाफ है ना, तो पहले से अगर अंडर रूट लगा हुआ होता है ना, पहले से अगर अंडर रूट लगा हुआ होता है तो उसका आंसर हम यही अज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव आंसर आएगा। सही, हम अपनी तरफ से अगर अंडर रूट इन्वॉल्व कर रहे होते हैं ना तो फिर उसके दो आंसर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर पहले से अंडर रूट लगा हुआ है ना तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये प्लस है, ठीक है। ओके हम अपनी तरफ से जब अंडर रूट वो करते हैं इन्वॉल्व तो फिर उस पे हम प्लस नहीं लगा। जैसे कि अंडर रूट 3 प्लस 2x मैंने लिखा है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये प्लस 3x प्लस 2x है।
हेलो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? होने वाला सर। सवाल है, स्क्रीन पॉज नहीं हुई है, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ, ये लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। तो बस परफेक्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, इसको जो है सॉल्व करते हैं। अब्बास आंसर आ गया तो ग्रुप पे भेज दो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जब तक थ्री प्लस टू एक्स पावर हाफ, थ्री कॉमन निकला, वन प्लस टू अपॉन थ्री एक्स की पावर हाफ, और थ्री के ऊपर भी पावर हाफ लगी, तो ये हो गया अंडर रूट थ्री, वन प्लस टू ओवर थ्री एक्स पावर हाफ। अब अंडर रूट थ्री को ऐसे ही छोड़ देना है, बाद में देखेंगे। और अब हम एक्सपेंड करेंगे वन प्लस टू अपॉन थ्री एक्स की पावर हाफ को। फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन टू अपॉन वन टू अपॉन थ्री एक्स पावर वन, देन वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एंड टू अपॉन थ्री एक्स की पावर टू, और ये हो जाएगा वन प्लस टू अपॉन सिक्स की पावर एक्स प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस वन अपॉन फोर डिवाइड बाय टू माइनस वन अपॉन एट मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉन नाइन एंड फोर फोर टू माइनस वन अपॉन एटीन माइनस वन अपॉन एटीन एक्स स्क्वायर। अब एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंडर रूट थ्री से, ये अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन एटीन एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। किसी चीज को अब तक जितना भी, किसी को भी अब तक जितना पढ़ा है उसमें कोई भी कंफ्यूजन है, जैसा भी सवाल है, बिल्कुल भले बेसिक ही सवाल क्यों ना हो, उसको पूछ लो जल्दी, ताकि फिर मैं अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको सॉल्व करना है। कोई चीज अगर कोई क्वेरी है उसको डिस्कस कर लो पहले। Is it clear? Everything is clear to all three of you? यस सर। Abbas and Swale? सर मेरा आंसर 1 मिनट गलत आया था तो मैं एरर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, वाले कौन सा, ये वाला क्वेश्चन या ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, या इस तरह का जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, ओवरऑल लाइक बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल पहली चीज जो हमने करी, फॉर्मूला करने का तरीका, सर ये चैप्टर का नाम क्या? बाइनोमियल एक्सपेंशन। लुक, देखो ये हो रहा है, हमारे पास फॉर्मूला एन सी आर है ना, तो हमारे पास अगर ये है थ्री प्लस टू एक्स की पावर हाफ,
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है कॉमन। क्यों कॉमन निकालना है, क्योंकि हमारे पास पहली चीज क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो वन के जगह पे कोई भी वैल्यू होगी हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो मैंने थ्री कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस। अब टू एक्स में से भी थ्री कॉमन निकलेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन थ्री एक्स पावर हाफ। और कोई भी चीज़ जब बाहर निकलती है ब्रैकेट के अंदर से कॉमन निकलती है तो वो पावर लग के बाहर निकलती है, यहाँ पे हो जाएगा थ्री पावर हाफ। तो ये हो गया अंडर रूट थ्री एंड वन प्लस टू अपॉन थ्री एक्स की पावर हाफ। ठीक है, ये तो हमने बिल्कुल एक बेसिक चीज़ करी है कि हमने यहाँ पे जो भी पहली वैल्यू लिखी हुई थी एक ही जगह पे उसको हमने कॉमन निकाल के वन कर दिया। वन हम क्यों कर रहे हैं, वन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी पहली टर्म वन हो जाए और ताकि हम जो बाकी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें हमें ए इन्वॉल्व ना करना पड़े। फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर डी पावर आर। यहाँ पे क्या लग गया है, हम हमारे पास क्वेश्चन है वन प्लस टू अपॉन थ्री एक्स की पावर हाफ। ठीक है, पहली जो टर्म क्या होती है, पहली टर्म होती है एन सी जीरो, तो पहली टर्म क्या होगी, वन अपॉन टू सी जीरो। और ए के ऊपर पावर क्या लगेगी, ए के ऊपर तो पावर कुछ भी लगे तो वो वन ही रहेगा क्योंकि हमने ए को वन रखा हुआ है। और बी के ऊपर पावर क्या लगेगी, जीरो लगेगी, तो बी भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसलिए पहली टर्म हमेशा हमारी क्या होगी, वन होगी। इसीलिए हम ए की वैल्यू को वन बना देते हैं ताकि हमारी वर्किंग आसान हो जाए। पहली टर्म क्या आ गई, वन आ गई। प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म के लिए हम वन अपॉन टू सी वन करेंगे, सी जीरो सी वन सी टू इसी तरह चलते हैं ना हम। तो सी जीरो हमने ले लिया जिससे वन आ गया, अब सी वन अप्लाई कर रहे हैं। तो सी वन अप्लाई करने के लिए हमारे पास वन अपॉन टू सी वन का क्या मतलब है, हमने इस चीज़ को ऊपर डिस्कस करा है कि वन अपॉन टू सी वन का मतलब है वन अपॉन टू अपॉन वन। ठीक है, और ए हमारे पास वन है, उसकी कोई भी पावर हो वो वन ही रहेगा, इसलिए उसको हम लिख ही नहीं रहे। और बी के ऊपर पावर क्या लगती है, बी के ऊपर पावर लगती है वही जो आर होता है, बी पावर आर होता है। तो टू अपॉन थ्री एक्स के ऊपर पावर वन लग गई। प्लस उसके बाद क्या होगा, वन अपॉन टू सी टू। वन अपॉन टू सी टू का क्या मतलब है, ऊपर दो वैल्यूज आएंगी, एक एक कम होके, डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। और टू अपॉन थ्री एक्स यानी बी के ऊपर पावर क्या लग जाएगी, टू। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, वन प्लस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन थ्री, टू अपॉन सिक्स एक्स। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन एट मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन थ्री का स्क्वायर होता है फोर अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर। ये टू कैंसिल हुआ फोर और एट, और ये आ गया माइनस वन अपॉन एटीन एक्स स्क्वायर। और फिर हम इस होल थिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अंडर रूट थ्री से। तो फॉर्मूला ए एस वाला ही है, सिर्फ चेंज ये है कि हम उसको सी को मैन्युअली सॉल्व कर रहे हैं और ए हम वन बना देते हैं, इसलिए ए को हम नहीं रखते। तो सिर्फ बी आएगा और बी की पावर जो है एक एक बढ़ती जाएगी, बी वन बी पावर वन बी पावर टू बी पावर थ्री, इस तरह आगे जाते रहेंगे और पहली टर्म हमेशा वन होगी। नाउ इज दिस क्लियर? सर ये जो टॉपिक है बाइनोमियल, सर ये ए टू में तो है ही नहीं। ए टू में है बाइनोमियल एक्सटेंशन, क्यों नहीं है, किसने बोला नहीं? सर वो सिलेबस में मैंने देखा था, उसमें है ही नहीं। दिखाओ सिलेबस। मैं सर ग्रुप पे सर अलजेब्रा के टॉपिक में आता है ना, अलजेब्रा के टॉपिक में आता है, बिल्कुल आता है। बाइनोमियल एक्सटेंशन का पहला टॉपिक ये है। हाँ पहला ही है ना, वो अलजेब्रा के अंदर इन लोगों ने डाला हुआ है। अच्छा अब्बास तुम्हारा आंसर सही आ गया? जी सर। सर वो एक्चुअली मैं फोर्थ टर्म निकाल रहा था तो अच्छा, मुझे याद आया कि हमें थ्री तक ही निकालना था। अच्छा सवाल समझ आ गया, क्लियर है अब? सर अगर
एक की पोजीशन पे अभी तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता था, तो हम उसको वो फैक्टर बाहर लेके हम उसको रिमूव कर रहे थे। जब अगर वेरिएबल होगा उसकी जगह पे तो वेरिएबल फिर नहीं क्या होगा, करेंगे? होगा ही नहीं वेरिएबल, ओके सही। कॉन्स्टेंट ही होगा हमेशा। सर बाकी अच्छा मुझे जो है वो क्लासेस का थोड़ा पूछना था कि लाइक हम एंड तक सिलेबस पूरा करेंगे लाइक कंप्लीट? हाँ, सिलेबस तो कंप्लीट ही हो गया ऑब्वियसली, बिल्कुल नहीं नहीं कंप्लीट हो मतलब गया। ये इस तरह नहीं करेंगे कि जो टॉपिक में मेजर इश्यूज हैं उनके ऊपर ज्यादा पहले वो पहले कर लें फिर बाद में रिवीजन? यार मुझे तो सिलेबस पूरा पढ़ाना है ना, तो मैं सिलेबस ही पढ़ाऊंगा। टॉपिक्स में इशू तो फिर तो वो क्वेरीज ही की तरह ही हो गया ना, क्योंकि मैं तो बाकी स्टूडेंट्स को भी तो देखना है ना। सही। तो सर लाइक अभी हमने बेसिकली अभी हम पहले चैप्टर पे ही है ना काइंड ऑफ, तो हम हाँ लाइक हमारा सर मई अप्रैल तक हो जाएगा पूरा लाइक सारे टॉपिक्स? भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो खत्म हो गया ना, चैप्टर वन खत्म। अब पार्शियल फ्रैक्शन नेक्स्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन नेक्स्ट करेंगे। देखो सिलेबस तो पूरा कराना ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी टेंशन नहीं लो, सिलेबस तो पूरा ही होगा। सही है सर। और मुझे बस सर एक बार और कंफर्म करनी थी कि हम जो है वो एक वो होता है कि हम एक महीना पहले तक सिलेबस पूरा कर लेते हैं और फिर पास पेपर्स होते हैं, तो हमारी इस क्लासेस में ऐसा कुछ होगा कि लाइक हम थोड़ा जल्दी सिलेबस यार पूरा करके पढ़ लेंगे? हम जो है वो टॉपिक वाइज जो पढ़ रहे होंगे उसके साथ साथ हम टॉपिकल पास पेपर्स तो कर ही रहे होंगे, ठीक है? और सही। जितना जल्दी अगर सिलेबस हो जाएगा तो फिर हम ईयरली पास पेपर्स की तरफ भी जाएंगे, साथ साथ पास पेपर्स तो चलते ही रहेंगे, सही। ठीक है? सही अच्छा मैं ग्रुप पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, बायनोमियल के कुछ 10 क्वेश्चंस हैं इसमें। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो इसको अभी करना स्टार्ट करो, और जो है वो कुछ मसले हो तो वो डिस्कस करो, और इनके जो कंबाइंड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्लास ऑफ नहीं हो रही, यहीं बैठ के मेरे साथ सॉल्व करो ये क्वेश्चंस, ग्रुप पे भेजें। देखो ये सॉल्व करने के बाद इसके साथ ही मैं पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, तो वो भी नेक्स्ट क्लास से पहले सॉल्व कर लेना, ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर सकें। क्वेश्चंस क्लियर हैं सबको? किसी को कोई वर्डिंग में मसला तो नहीं है या ब्लर तो नहीं आ रही पिक्चर? पावर्स एंड वैल्यूज और सब क्लियर है? देख लो। हाँ सर पिक्चर सही है। सर ओके सॉल्व करना स्टार्ट करो, 15 मिनट है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास से पहले मैं चेक करूंगा।